भोलेनाथ के पवित्र चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, कल्याण हो। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो आपके चरण कमलों में साक्षात दर्शन पा रहा हूँ। हे अंतर्यामी, यदि आप मेरी भक्ति से इतना ही प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। वरदान? कैसा वरदान? प्रभु, मैं अजर अमर होना चाहता हूं। स्वामी, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि संसार में किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। भक्त रावण, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसे तो एक ना एक दिन अवश्य मरना ही होगा, और यही विधाता का विधान है। क्योंकि क्योंकि हम तुम्हारी इस घोर तपस्या से अति प्रसन्न हुए, इसीलिए तुम्हें ये वरदान देते हैं जिससे तुम्हारी नाभि में एक अमृत कुंड बन जाएगा, और उस अमृत कुंड को खंडित किए बिना तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन लंकेश, एक बात याद रखना, इस बात का कभी भी अहंकार मत करना। धन्य है भोलेनाथ, आप धन्य हैं। अब मैंने अमर पद पा लिया है। तथास्तु। परंतु लंकेश, जो कुछ हमने कहा उसका ध्यान रखना। जैसी प्रभु की इच्छा। भोलेनाथ की जय हो। घट घट के अंतर्यामी की जय हो। कैलाश पति की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। Mais quand Ramlela l'incapable d'y jouer.